भगवान शंकर कैसे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र। हे रावण, भगवान राम करुणा का सागर, करुणा सिंधु खरारी, तू एक बार उसके चरण में चला जा, तेरे सभी अपराध को प्रभु ठाकुर जी भूल जाएंगे और तुझे क्षमा कर देंगे, माफ कर देंगे। अपने हृदय में प्रभु राम जी के चरण की वंदना कर। राम चरण पंकज उरधर हूँ लंका अचल राज तुम करो। तेरी लंका में, तेरी पैसे में, तेरी ये संपत्ति है ना, उसमें कोई सेंध नहीं मार सकता है। कई बार लोगों की संपत्ति हमने देखी थी, इतनी बड़ी थी तो 5 वर्ष में जीरो। क्यों? कहीं ना कहीं संपत्ति में कुछ गड़बड़, या तो राम का अभाव है, या तो संपत्ति में कहीं ना कहीं हाँ हूं मैं और हूं करते जो कमाते हैं उस संपत्ति को कहते हैं हराम। ये हराम का होता है तो ही सब जाता है, वरना राम का जो होता है उसमें तो आनंद आता है। सिया राम मैं सब जग जा, राम की संपत्ति आपको सत्कारी कराती है। आपके बच्चे, आपके पुत्र, आपके पौत्र, सात सात पीढ़ी, 21 त्रिसप्त भी पिता पुत्र, 7 × 3, 3 × 7 21 पीढ़ी वो आपकी संपत्ति भोगती है। जब राम की संपत्ति होती है, यास्त्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्वर लक्ष्मी, श्री बन के आती है, भगवान विष्णु के साथ आती है, पत्नी बनकर आती है, तब 21 पीढ़ी तक वो निवास करती है। मगर वो गरुड़ के ऊपर आती है, मगर अभी नई संपत्ति आई उसको डॉलर, ये तो काला पैसा है, ये काला कैसे हो गया, हरा है। मगर कहीं के पास होता है तो हम बोलते ये तो काला है, संपत्ति का रंग काला, नोट तो हरी होती है मगर उसको कहा जाता है काला। क्यों? क्योंकि वो गरुड़ के ऊपर नहीं आती सर। उल्लू नाम सुने? आउल, घुवड़। कोई लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी का वाहन आउल है, घुवड़ है, उत्तर साइड और काफी जगह पर लोग बोलते हैं, और वो भी सही है, गलत नहीं है। मगर यास्त्री स्वयं सुकृत नाम भवनेश्वर लक्ष्मी, दो प्रकार से लक्ष्मी आती है, एक स्त्री बनकर आती है, यशस्वी नहीं होती है, यश कीर्ति धन वैभव धर्म कार्य सत्कर्म सेवा करवाती है, और दूसरी संपत्ति है वो सिर्फ पैसा कहलाती है। यास्त्री स्वयं सुकृत नाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मना कतधिया प्रदेश बुद्धि, वो भी रुपया होता है मगर स्त्री नहीं कहलाता, वो गरुड़ के ऊपर आता है, उल्लू के ऊपर आता है, और उल्लू के ऊपर आता है वो बहुत खखड़ता बहुत है, खखड़ाट आवाज बहुत करता है। जब पैसा आता है तो उनको लगता है कि मैं सबको बताऊं मेरे पास पैसा है, समझना, एक खड़खड़ाट वाला पैसा, चमकदार पैसा, चमकाने वाला, दिखाने वाला, या तो दिखावे वाला पैसा, वो उल्लू पे आता है, और उसकी बेस्ट क्वालिटी वो है कि वो उल्लू बना के चला जाता है, फिर पता चलता है ये गया, कैसे जाता है वो पता नहीं चलता, जाने के बाद पता चलता है कि ये तो गया। और जो श्री आती है, आपके घर में पैसा, हमारे सबके घर में पैसा है, वो पैसा कैसा है उसका कोई पैरामीटर है मापने का? तब हमारे घर में जाके देखे तो पैसा हमारा कैसा है, अच्छा है खराब है? तो ये चंडी पाठ का श्लोक आपको याद रखने का, या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनाम कृतदेयाम हृदयेषु बुद्धि
श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वानताश्म परिपालय देवि विश्वम। श्री है वो आती है तो वो सत्कारी कराती है। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्व लक्ष्मी, आपकी जेब में 50 की नोट है, वो स्त्री है तो मंदिर के डिब्बे में चली जाएगी, तो बीच में वो दुकान भी आती है जिसमें वो द्रव्य होता है तो वो हिलता नहीं है, मगर व्यक्ति के अंदर वो द्रव्य चला जाता है तो उसको दो दिखता है, फ्री में उसको दो दिखता है। दिन को तारा देखना है, कोई बोले कि दिन को तारे नहीं दिखते, काफी लोग देख लेते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा बन जाते हैं, वो अलग लक्ष्मी है, वो पाप लक्ष्मी है, सुकृत कराएगी आपके जीवन में यज्ञ हवन हो जो भी आप अच्छा कार्य करके बगैर वो संपत्ति नहीं रह सकती ही, और खराब रुपया आपके यहाँ खराब काम करे बगैर नहीं रह सकता, आपकी समस्या का मूल ही पैसा होगा। तो लक्ष्मी का आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे, और यहां कहा के आपके कुल का विचार करे, राम के चरणों में अनुराग करे, और हे रावण, राम के नाम के बगैर इस गिरा का कोई मतलब नहीं, जीव का सबसे अच्छा कार्य क्या है, जीव की शोभा किसमें, मोबाइल पे बात करें इसमें, अभी तो वो चाड़ा पड़वा में जीव में उपयुक्त है, किसी को परेशान करने जीव का उपयोग कर रहे हैं, कुछ ऐसे दूसरे का बनाते लक्षण शास्त्र के बारे में। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जीव का आभूषण है गाना, राम नाम बिन गिरान सोहा, देख बिचारी त्यागी मद मोहा। अब और चीज बोला, पहले कुल को याद कराया, भगवान का शरण याद दिलाया, अभी तो कैसे बोलता है, हे बंदर की कोई भाषा है तो मद मोह छोड़ दे, देखो बिचारी त्यागी मद मोहा, तू इतना मोहित क्यों है, तेरा मद छोड़ दे, प्रभु के प्रति तू नहीं जा रहा है, प्रभु का कार्य तुझे याद आता है मगर तब तुझे मद आता है, उस मद को छोड़, और ये जो माया के अंदर तेरा मोह है उसको त्यागी दे, बस नहीं नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित बरनारी। यहां अद्भुत स्त्री का महिमा किया है, सब भूषण भूषित वरनारी, बस नहीं नहीं सोह सुरारी, कितने भी आभूषण क्यों न पहने हो मगर वस्त्र नहीं पहने है तो नारी की कोई शोभा नहीं, और तेरे पास पूरी लंका सोने की है, तूने छल से बल से जैसे भी कमाई है हे रावण, मगर तेरा मूल स्वभाव राम के भी मुख है तो ये पैसे का कोई अर्थ नहीं है, तो करोड़पति है पूरी लंका सोने की है क्या, राम विमुख संपत्ति प्रभुरा प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई। जो व्यक्ति प्रभु राम के विमुख होता है आज उनके पास है वो तो जाएगी मगर भविष्य में जो मिलने वाली है वो भी नहीं मिलेगी, जाई रही पाई बिनु पाई। और हे रावण, मटका भर लेने से जीवन नहीं गुजारा होता है, सजल मूल जिन सरितनि नाहि, तालाब से जिंदगी बसर नहीं होती है, मूलवान जिसके पेट में पानी भरा है ऐसे पर्वत से निकली हुई सरिता जीवन भर सुख देती है,
सजल मूल जीवित सरितन नाई वर्ष गए पुनीत अभी सुखाई। बारिश है तब तक पानी दे और जैसे बारिश चली गई पानी खत्म, ऐसी नदी का कोई अर्थ नहीं। सुन दस कंठ का उपन रूपी विमुख राम त्राता नहीं को भी। सब समझा दिया, अब धमकी दी, अब सुन ले समझ ले राम का विरोध करेगा तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तुझे बहुत अभिमान है ना कि मैं शंकर का भगत हूं। खुद एकादश में रुद्र हनुमान रावण को बोल रहे हैं, शंकर सहज विष्णु आज तो ही सक ही न राखी राम कर द्रोही। है रावण हजार शंकर तेरे सामने बैठ जाएंगे, तेरे साथ में बैठ जाएंगे, मगर रावण तू भूल गया कि राम का द्रोह करता है तो शंकर भी उसको बचाने के लिए राजी नहीं होते। हजारों शंकर भी तेरा कल्याण नहीं कर पाएंगे। हे रावण, हे रावण, मेरी बात मान लो। थोड़ा घबराया ताकि समझ में आए, मगर उसको समझ में नहीं आया। फिर हनुमान जी महाराज ने तत्व ज्ञान की बात की। ये मोह का कारण क्या मालूम है? हनुमान जी तुझे ये रावण इतना मोहित क्यों है? तू इतनी लंका, इतने इतना ताम जाम, ये सब ग्रहों को बिठा के रखा, देवता से आगे आगे बैठे, इतना मोह क्यों है? और मोह के कारण बेटा शूल उत्पन्न होते हैं। आचार्य तुलसी कहते हैं, मोह मूल बहुशूल त्यागहु तम अभिमान, बजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। जद भी कही कभी अति हित बानी, भगति विवेक दिरति नहीं सानी, बोला दि हसी महा अभिमानी, मिला हमें कभी गुरु बड़ ज्ञान, मृत्यु निकट आई खल तोई, लागे सी अधम सी कावन मोही, उलटा होई कहू हनुमान, मति ब्रह्म तोर प्रगट में जान, सुनि कपि वचन बहुत खिसियान, देहि न हरहु मुद कर प्राण, सुनत निसाचर मारन जाई, सचिवन सहित विभीषण आई, नाई शीश करि विनय बहुता, नीति विरोधन मारिय दूता, आन दंड कछु करय गोसाई, सबहि कहा मंत्र बल बाई, सुनत बिहसि बोला दस तंदर, मंगल पटियहि बंदर, मंगल भवन अमंगल, दशरथ अजर तिहारी, मंगल भवन तर शंभु बाबा। रावण, मोह जिसका मूल है, मोह मूल बहुशूल पर, मोह आता है तो अनेक प्रकार की पीड़ा आती है, और इस पीड़ा से बचने के लिए हे रावण तू मोह का त्याग कर ले, और मोह का त्याग करके बजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। कृपा के सागर, करुणा का सागर, ऐसे भगवान राम को पकड़ ले, मगर इस दिखावे की बात ये मोह छोड़ दे बेटा। यद्यपि कही कपि अति हित मानी, वैसे कपि ने मानव ने बहुत हितकारी अच्छी रावण के कल्याण की बात कही, मगर जो दुष्ट होते हैं उनको अच्छी बात में मजा नहीं आता है, उनके कल्याण की बात में भी उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। भक्ति और विवेक को बढ़ाने वाली बात की, मगर जब बानर रावण को बोलता है तो रावण को गुस्सा आते है। हमारे सामने कोई छोटा व्यक्ति हमको सलाह दे दे तो हमको, अरे तू मुझे कौन कहने वाला, ऐसे रावण बोला।
बोला भी हसी महाअभिमानी मिला वही कपि गुर बड़ ज्ञानी। हम ब्राह्मण है बंदर, बड़ा ज्ञानी हो गया तू, मुझे शिखावन देता है और मेरा गुरु हो गया तू, मिला हमें कपि गुरु बन गया, अब बांदर हमारे गुरु बन जाएगी क्या? साहब गुरु वो है जो हमको सत्य समझा दे, उसका नाम गुरु। हमारी गलती के प्रति हमारा उंगली निर्देश कर दे, हमको अनैतिकता से निकाल के सत्य के राह पर, राम की राह पर चढ़ा दे, हराम से निकाल कर राम राम करा दे, उसका नाम गुरु। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, गुरु ने साहब गुरु की पद रेणु को सलाम है मेरा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा।